बॉलीवुड के कभी नंबर एक हीरो रहे गोविंदा, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई हिट और सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार सलमान खान के मांगने पर उन्होंने भाईजान के लिए एक सुपरहिट फिल्म छोड़ दी थी। क्या था वो किस्सा, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप भी सलमान खान और गोविंदा के फैन हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म टाइगर 3 को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म जल्द 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। सलमान आज बॉलीवुड के भाईजान हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर को संवारने के लिए उन्होंने गोविंदा से एक बड़ी फिल्म मांग ली थी। ये सुनने में भले थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। इस बात का खुलासा खुद चीची यानी गोविंदा ने किया। गोविंदा ने खुलासा किया कि 1997 में आई सुपरहिट फिल्म जुड़वा में कैसे सलमान खान की इस फिल्म में एंट्री हुई। गोविंदा ने कहा, मैं उस समय अपने गेम के टॉप पर था जब बनारसी बाबू नाम की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मैं उस समय जुड़वा पर भी काम कर रहा था। जब जुड़वा की शूटिंग चल रही थी तब एक रात करीब 2 बजे सलमान खान ने मुझे फोन किया और मुझसे पूछा, चीची भैया आप कितनी हिट फिल्में देंगे। मैंने उनसे पूछा, क्यों क्या हुआ। उन्होंने कहा, अभी आप जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जुड़वा, प्लीज खुद को इस प्रोजेक्ट से हटा ले और फिल्म मुझे दे दे, आपको मुझे फिल्म का डायरेक्टर भी देना होगा। गोविंदा ने कहा कि सलमान खान हमेशा से मेरे लिए एक परिवार रहे हैं। आपको बता दें कि साल 1997 में फिल्म जुड़वा को डेविड धवन ने डायरेक्ट की थी। फिल्म का बजट 6.25 करोड़ रुपए था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 24.28 करोड़ रुपए कमाए थे। और इस तरह गोविंदा ने जुड़वा फिल्म सलमान को करने दी। गोविंदा और सलमान खान की दोस्ती काफी गहरी रही है।